दोस्तों, फरवरी 2015 में मार्केट में कैंडी आती है जिसका नाम होता है पल्स। रजनीगंधा बनाने वाली कंपनी यानी धर्मपाल एंड सत्या ग्रुप ने कच्चे आम से बनने वाली टॉफ़ी पल्स को बाज़ार में लॉन्च किया। किसी को यह नहीं पता था कि इतने कम समय में यह कैंडी आसमान की ऊंचाइयां छू लेगी। सिर्फ 8 महीने में 100 करोड़ की कमाई को छूकर इस कंपनी ने कोक जीरो की बराबरी कर ली। पल्स ने अपने बेहद ख़ास फ्लेवर की वजह से मार्केट पर कब्जा किया और अलग अलग व्यक्तियों के दिलों पर राज किया। दोस्तों, आज मार्केट में कैंडी का बिजनेस 2100 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 50% शेयर मैंगो कैंडी का है। दोस्तों, इस कैंडी में हमें नमक और अलग स्पाइसेस का भी स्वाद मिलता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में जब हमारा गला सूख रहा होता है तो हमें किसी ख़ास चीज़ की ज़रूरत होती है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए डीएस ग्रुप ने मार्केट में अपनी पल्स कैंडी को लॉन्च किया। गुजरात रीजन से इस कैंडी का ट्रायल शुरू किया गया और लोगों की डिमांड के चलते इस कैंडी को पूरे भारत में लॉन्च कर दिया गया। भारत में कैंडी के अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए कंपनी ने कैंडी को यूके, यूएसए, सिंगापुर जैसे देशों में भी लॉन्च कर दिया। इतना ही नहीं, अब डीएस ग्रुप ने इस मसालेदार फॉर्मूले को अब पेटेंट भी करवा लिया है। आप सबका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो बेहद पसंद आया होगा।